आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो सिर्फ सेबी ग्रेड ए के लिए ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी कैंडिडेट्स एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सिर्फ सेबी ग्रेड ए में नहीं, आपके यूपीएससी और पीसीएस में भी काम आते हैं। दोस्तों मैं हूँ वेद, आपका होस्ट, दोस्त और गाइड फॉर सेबी ग्रेड ए, और आप देख रहे हैं अर्थपीडिया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग ये है, इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन द एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, ये इस सारे जो जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक स्टेटमेंट है, बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री, जो एक कंट्री में एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ कौन कौन? इंडिविजुअल्स यानी कि आम लोग, फर्म्स, गवर्नमेंट। ये एंटिटीज़ जो हैं वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए 1 ईयर, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर में जितना जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका ये लेखा जोखा है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हम हैं तो हम अपना एक लेखा जोखा रखते हैं कि हमने किससे कितना, किस दूध वाले को पैसे देने, अखबार वाले को पैसे देने हैं, फिर हमने किससे कितना उधार ले रखा है, किसको कितना उधार देना है। तो ये जो सारा जो हम ट्रांजेक्शन अपना करते हैं, सारा जो बजट बनाते हैं एक जगह खाते में लिख के रखते हैं, उसी तरह जैसे हमारा खाता होता है उसी तरह एक कंट्री का भी खाता हो कि किसको कितना ट्रांजेक्शन हमने किया, किसको किससे कितना उधार लिया, किससे कितना सामान खरीदना खरीदा और किसको कितना सामान बेचा। तो इसी तरह का खाता होता है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसके मेजर तीन कंपोनेंट्स हैं जिसको कि हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है करेंट, दूसरा है कैपिटल, थर्ड से रिजर्व। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के होते हैं। देन सेकंड कैपिटल, इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं। और करेंट जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं इसमें कोई भी फ्यूचर में ऑब्लिगेशन या क्लेम हम नहीं हो, इससे क्रिएट नहीं होता, बट ये जो कैपिटल है इसे फ्यूचर में क्लेम या भी कह लीजिए कि क्लेम कर सकते हैं हम, क्रेडिट हो गई, क्रेडिट जनरेट होती है या फिर डेबिट जनरेट हो जाता है। देन रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है उसके पास जो रिजर्व होते हैं वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये है मेजर तीन कैटेगरी जिसके बेसिस पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिवीजन करते हैं। फर्स्ट है करेंट, सेकेंड है कैपिटल, थर्ड है रिजर्व। तो बात करते हैं करेंट अकाउंट की। तो करेंट अकाउंट में भी तीन तरह के अकाउंट होते हैं। फर्स्ट है गुड्स अकाउंट, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है वो गुड्स अकाउंट में आते हैं। देन सेकंड सर्विसेज अकाउंट, जो हम किसी को सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हम किसी से सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, तो जो इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सर्विसेज अकाउंट में आते हैं। देन थर्ड इज यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अकाउंट, जिसमें कि मनी ट्रांसफ़र होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो थर्ड कैटेगरी में ये आते हैं। इसको हम गुड्स अकाउंट या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को हम विजिबल अकाउंट भी कहते हैं, और जो सर्विसेज अकाउंट है इसको हम कहते हैं इनविजिबल अकाउंट। क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं करेंट अकाउंट में, तो गुड्स अकाउंट है इसमें क्या क्या आते हैं? गुड्स अकाउंट को हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। इसमें इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग गुड्स, जो भी गुड्स होते हैं उसका जो ट्रेड होता है वो आता है इसमें। देन सेकेंड है सर्विसेज अकाउंट, इसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम सर्विसेज ये आता है। थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट, इट इज़ कॉल्ड करेंट अकाउंट बिकॉज जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कोई फ्यूचर क्लेम क्रिएट नहीं करते हैं। जो ट्रांजेक्शन हुआ अभी के अभी हुआ, अभी हुआ ट्रांजेक्शन, बात खत्म, फ्यूचर में इसका कोई क्लेम नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, कुछ भी क्रिएट नहीं होता। दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड करेंट अकाउंट, बिकॉज करेंट आर सेटल्ड इन हियर एंड नाउ।
ठीक है। देन विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड या गुड्स गुड्स अकाउंट को विजिबल ट्रेड हम क्यों कहते हैं? गुड्स अकाउंट को हम विजिबल ट्रेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब भी पोर्ट में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो पोर्ट में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की एंट्री होती है, तो वो चीज़ हमें विजिबल हो जाती है। दैट्स वाई इस तरह के अकाउंट को गुड या गुड्स अकाउंट को हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल टेंजिबल गुड। जो फिजिकल टेंजिबल गुड है, टेंजिबल गुड मतलब वो जिसको कि हम छू सकते हैं, ठीक है। वो गुड्स जिनको हम छू सकते हैं, महसूस हाथ से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल गुड। इस तरह के जो गुड्स का ट्रेड होता है वो विजिबल अकाउंट विजिबल ट्रेड में आता है या कि गुड्स अकाउंट में आता है, ठीक। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट जो होता है उससे माइनस कर देते हैं हम इम्पोर्ट को। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ इम्पोर्ट से तो हम कहते हैं उसको ट्रेड सरप्लस में है, और अगर गुड्स का एक्सपोर्ट गुड के इम्पोर्ट से कम हुआ तो उसको कहते हैं हम ट्रेड डिफिसिट। एक बात और गौर करने वाली ये है, जब भी अकाउंट बनाया जाता है तो दो एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक तो होता है क्रेडिट क्रेडिट, दूसरा होता है डेबिट। क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड होती है वो जिसको हम पॉजिटिव में रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट साइड होती है वो जिसको हम नेगेटिव में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव या क्रेडिट में गिने जाते हैं, और इम्पोर्ट जो आते हैं वो हमेशा डेबिट में गिने जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे जेब से पैसा निकलता है, और जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जेब में पैसा आता है, ठीक है। तो इसी वजह से पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन होती है, ठीक है। देन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट ये करंट अकाउंट में आता है, एक कैटेगरी ये है करंट अकाउंट में। ये क्या होता है? दिस अकाउंट इंक्लूड ऑल गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एंड रेपरेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स टू द फॉरेन कंट्री। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं गिफ्ट, ग्रांट, रेपरेशन। रेपरेशन का मतलब होता है हर्जाना, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को देता है, एंड द पेमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, और जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को फॉरेन कंट्री को पेमेंट करता है वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं मेनली। पहला है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, दूसरा है प्राइवेट ट्रांसफ़र। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र में क्या आता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, जिसमें कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एड देती है, पैसे वैसे देती है सहायता के लिए, ग्रांट्स देती है या फिर मिलिट्री एड देती है। दूसरे कैटेगरी दूसरे दूसरा कौन सा होता है ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ट्रांसफ़र में? गवर्नमेंट टू प्राइवेट, जब कोई गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को जो कि अब्रॉड में बसे हुए हैं उनको जब पेंशन देती है तो आपका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में वो गिना जाता है। जब वो अपने इंडिव्यू जब अपने सिटीजन्स को ग्रांट्स देती है या सब्सिडी देती है तो उसको भी हम गवर्नमेंट टू प्राइवेट में काउंट करते हैं। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र इस वजह से कहा जाता है इसको क्योंकि ये वन डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। एक एक इसका डायरेक्शन वन एक से दूसरे तरफ होता है, वापस ही मुड़ के नहीं आता। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर पेंशन दे दी तो पेंशन दे दी, ठीक है, वो पेंशन फिर वापस गवर्नमेंट के पास नहीं आती घूम करके। तो ये एक डायरेक्शन में होता है। दूसरा टाइप का होता है ये प्राइवेट ट्रांसफ़र्स, जैसे हमारे यहाँ से कई काफ़ी लोग सऊदी अरब जाते हैं, लंदन जाते हैं, यूएसए जाते हैं, वहाँ जाके कमाते हैं। वहाँ जाके जब कमाते हैं तो वो डॉलर दिनार हमारे कंट्री में भेजते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिमिटेंसेस। तो ये प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांसफ़र होता है, इसको कहते हैं रिमिटेंसेस। ये रिमिटेंसेस इसमें आते हैं प्राइवेट ट्रांसफ़र में। वहाँ से लोग जो हमें गिफ्ट भेजते हैं या फिर हम जो यहाँ से उनको गिफ्ट भेजते हैं वो होता है, वो भी इसी में गिना जाता है प्राइवेट ट्रांसफ़र में। तो पहला तो हो गया हमारा कौन सा? पहला हो गया हमारा विजिबल ट्रेड गुड्स अकाउंट, देन ये हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, देन थर्ड वाला कौन सा आता है? इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड या सर्विसेज अकाउंट, जो हम किसी से सर्विसेज किसी को किसी फॉरेन कंट्री को के लिए हम सर्विसेज देते हैं या फिर किसी फॉरेन कंट्री से सर्विसेज हम लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें
इसमें काउंट की जाती हैं। ठीक है, जिस तरह की हम गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरह सर्विसेज का भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को जब हम रिपोर्ट इस चीज़ को जब हम अकाउंट में रिपोर्ट करते हैं, तो ये सर्विसेज अकाउंट में गिना जाता है। बट अनलाइक द गुड्स विच आर टेंजिबल एंड विजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। सर्विसेज तो इनटेंजिबल होते हैं, उसको छू नहीं सकते आप, ठीक है, महसूस नहीं कर सकते। तो दीज आर रिगार्डेड एज इनविजिबल इन BOP, बिकॉज ये जो इनका जो रिसिप्ट और पेमेंट जो होता है, ये पोर्ट पे पोर्ट के एंट्री और एग्जिट में कहीं इसका रिकॉर्ड नहीं होता है, ये इनविजिबल ही होता है। ठीक है, दैट इज वाई कॉल्ड सर्विसेज अकाउंट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। अभी इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है सर्विसेज में? तो सर्विसेज में शिपिंग सर्विस आती है, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आती है, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, इंश्योरेंस सर्विस आती है, होटल्स आती हैं, ट्रांसपोर्ट आती है, लीगल सर्विसेज आती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने यहाँ से कहीं बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट किया है, वहाँ के चीज़ों में इन्वेस्ट किया, तो जो हमें इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आती है, जो डिविडेंड मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमें सर्विसेज अकाउंट में ही इसको नोट डाउन करते हैं हम। देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च एक्सचेंज, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट दूसरे यहाँ के गवर्नमेंट से जो साइंटिफिक मिल के कोई साइंटिफिक प्रोग्राम कर रही हैं, टेक्निकल प्रोग्राम कर रही हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च होता है वो इसमें काउंट होता है। देन इंटरनेशनल टूरिज़्म, कोई लंदन से हमारे यहाँ आया टूरिस्ट, उसने यहाँ जो पैसे खर्च किए वो हमारे क्रेडिट साइड में गिने जाएंगे, हम जब जाएंगे यहाँ से लंदन तो वो हमारे डेबिट साइड में गिने जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल टूरिज़्म में को इस तरह से हम काउंट करते हैं। ये सब सारी चीज़ें विजिबल होती नहीं है ना बोर्ड पे, ये सारी चीज़ें इनविजिबल होती हैं। देन लास्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड पेटेंट रिलेटेड पेमेंट, जो पेटेंट रिलेटेड पेमेंट हो, रॉयल्टी हो गई, उसका जब हम पेमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारे बादशाह रैपर हैं, इन्होंने कहीं से कोई धुन खरीदी, ठीक है, तो धुन खरीदने के लिए उनको रॉयल्टी की पेमेंट करनी है, तो यहाँ से जब उन्होंने पेमेंट की, मान लीजिए NMM से इन्होंने वो एक धुन खरीदी, तो जब यहाँ से वो पेमेंट करेंगे तो हमारे नेगेटिव साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो पेमेंट होती है, पेटेंट रिलेटेड पेमेंट, रॉयल्टी, तो ये भी सर्विसेज अकाउंट में गिनी जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जाना कि करंट अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट होते हैं, गुड्स अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट और सर्विसेज अकाउंट। जब तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है करंट अकाउंट। ठीक है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आके आप पूछ सकते हो। देन सेकेंड कैटेगरी आती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट वो होते हैं, इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द कंट्री इन ए ईयर। एक ईयर में जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल या तो मूव इन हुई है या फिर मूव आउट हुई है, एनी कैपिटल दैट हैज मूव इन और आउट ऑफ कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। कोई भी ऐसा कैपिटल जिसका ट्रांजेक्शन एक वन जिसका ट्रांजेक्शन या मेच्योरिटी पीरियड एक एक साल से ऊपर हो, ठीक है, उससे ज़्यादा हो, उसके मूवमेंट को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम FDI के भी नाम से जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई बाहर की फॉरेन का कंट्री का इन्वेस्टर हमारे यहाँ किसी फैक्ट्री में, प्लांट में, या कहीं यहाँ कहीं ज़मीन खरीद लेता है, तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं फिजिकली टेंजिबल गुड्स में या फिजिकल टेंजिबल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट जब वो करता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ के लोग जैसे टाटा ने जगुआर में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और बाहर की कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, तो जब हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा वो पॉजिटिव साइड में चला जाता है, जब कोई हमारे यहाँ नहीं करता है तो हमारा, तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो ये FDI या फॉर प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। देन सेकेंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम PFI भी कहते हैं, ठीक है, PFI भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये जो हम बाहर के लोग होते हैं फॉरेनर्स, हमारे यहाँ जो आके बॉन्ड खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसमें काउंट हो जाती हैं। देन थर्ड
वो आते हैं गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लोन दिया, तो उस तरह की चीज़ें लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट वो है जो कि बैंक डिपॉजिट होते हैं या फिर अदर शॉर्ट टर्म पेमेंट होते हैं, जो वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनका जो ट्रांजेक्शन पीरियड जो होता है 1 ईयर से लेस देन का होता है, ठीक है, 1 ईयर से लेस देन का होता है। और जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेड। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ से किसी ने ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगाया, ठीक है, कोल मंगाया, तो जब हम कोल इंपोर्ट करते हैं तो वो तो हमारे गुड्स अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है, जो पेमेंट होगा वो तो गुड्स अकाउंट में आना चाहिए। बट होता क्या है कि जो होता क्या है कि हमने जो पेमेंट करी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करने के लिए, हमने कोल मंगाया तो हमने जो पेमेंट करी वो बैंक के थ्रू की, बैंकिंग ट्रांसफ़र की, तो जब हम बैंकिंग ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फिर हमारे गुड्स अकाउंट में नहीं आएगा, वो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो इस तरह के जो बैंक ट्रांसफ़र होते हैं जो कि किए जाते हैं, आना तो चाहिए था उसे गुड्स अकाउंट में, बट मैंने बैंकिंग ट्रांसफ़र कर दिया उसको जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा था जिससे मैंने इंपोर्ट कराया था कोल, तो जो मैंने इस तरह के ट्रांसफ़र किए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनको रिकॉर्ड करना या फिर इनको ट्रैक करना ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट इन और आउट ऑफ कंट्री। तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसको रफली एस्टिमेट करते हैं, एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लेते हैं। इन सम कंट्रीज़ दे आर कॉल्ड एरर एंड ओमिशन, कुछ कंट्री में इसको एरर और ओमिशन के नाम से भी रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ कंट्री इसको अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के नाम से रिकॉर्ड करती है। देन जो ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन या एरर और ओमिशन आते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट के अलावा और भी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इनके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट के अलावा भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। क्या क्या इंक्लूड की जाती हैं वो ये, सबसे पहला है स्टेटिस्टिकल एंड रिकॉर्डिंग एरर। जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें कोई कभी रिकॉर्डिंग एरर आ जाती है या कभी स्टेटिस्टिकल एरर आ जाती है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। देन सेकेंड इज स्मगलिंग, स्मगलिंग को तो कभी रिकॉर्ड किया नहीं जाता ना, तो एक रफली एस्टिमेट लगा दिया था कि इतनी स्मगलिंग हुई है, तो एक रफ एस्टिमेट लगा करके स्मगलिंग को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। देन थर्ड इज इलीगल एंड सीक्रेट कैपिटल मूवमेंट। इलीगल सीक्रेट कैपिटल मूवमेंट वो होते हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह करते हैं ना लोग, कि राउंड ट्रिपिंग कर लिया, यहाँ से मनी कहीं और बाहर भेज दिया टैक्स हेवन कंट्री में, तो इस तरह की जो चीज़ें इलीगल सीक्रेट कैपिटल मूवमेंट होती है उसको भी हम एक रफली एस्टिमेट करके इसमें डाल देते हैं। देन फोर्थ इज इम्परफेक्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर। जो हमने एस्टिमेशन प्रोसीजर इस्तेमाल किया उसमें कुछ इम्परफेक्शन रह जाती है, तो उस इम्परफेक्शन को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। देन लास्ट जो आता है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स में क्या क्या आता है, रिजर्व्स हमने बताया थे जो RBI या सेंट्रल बैंक है उसके पास जो रिजर्व्स होते हैं उसको इसमें काउंट किया जाता है। तो उसके पास जो रिजर्व्स होते हैं वो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं, इट इज़ सिंपली रिकॉर्ड द चेंज इन द फॉरेन रिजर्व्स। जो फॉरेन रिजर्व्स में जो चेंजेस होती हैं उसको रिकॉर्ड करता है। दिस अकाउंट लिस्ट द इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ स्टेइंग इंटरनेशनल फॉर सेटिस्फाइंग इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन। जो इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के काम जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो चीज़ें काम इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन या इंटरनेशनल पेमेंट के काम आती हैं, उन चीज़ों का जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रहता है उसको, उसका जो रिकॉर्ड रहता है उसको इसमें किया जाता है रिकॉर्ड। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे गोल्ड स्टॉक विथ दी RBI, RBI के पास जो गोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लस इंडिया का जो IMF के यहाँ गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है वो, देन कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देन थर्ड इज ड्रॉइंग राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंट्री विद द IMF। तो
SDR करके एक होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट करके होता है, हर कंट्री के पास होता है IMF के अंदर, ठीक है। तो SDR जो होती हैं वो इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। देन फोर्थ इज क्रेडिट अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, क्रेडिट का अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्री, जैसे इंडिया और ईरान का ने अपना क्रेडिट का अरेंजमेंट कर लिया कि हम इंडिया ईरान से तेल इंपोर्ट करेगा और उसके बदले जो इंडिया पेमेंट करेगा उसके लिए जो क्रेडिट की अरेंजमेंट किया जाएगा उसको उसमें भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। देन फिफ्थ इज कंट्रीज कैपेसिटी टू बोरो द मनी बोरो मनी बोरो इन द मनी मार्केट फ्रॉम द अनदर कंट्री, किसी और कंट्री से जो हमारी कंट्री बोरो करेगी कंट्री की कैपेसिटी को वो भी इसमें इंक्लूड होगी। देन एक्यूमुलेशन फैसिलिटी, एक्यूमुलेशन फैसिलिटी उसको कहते हैं जब पेमेंट, अगर मैंने कि लंदन को उधार दे रखा, मान लीजिए तो मैंने अगर लंदन को उधार दे रखा है और लंदन ने मुझे उधार वापस करने के लिए अपनी करेंसी में पैसे दिए, तो उस तरह की जो फैसिलिटी कहते हैं उसको एक्यूमुलेशन फैसिलिटी कहते हैं। इस तरह की फैसिलिटी वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में इंग्लैंड ने इस तरह की पेमेंट की थी उधार लेकर के, इस तरह से चुकाया था। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो हो गई हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कुछ ग्लॉजरी क्या के कुछ ग्लॉजरी के बारे में देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स हैं इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो कि पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, तो ट्रेड अकाउंट का हमने क्या बताया था, ट्रेड अकाउंट में वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ या इम्पोर्ट ही होते हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड अगर कम होंगे इम्पोर्ट ऑफ गुड से तो क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट है। जब एक्सपोर्ट कम हो जाए इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए, और अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स तो क्या हो जाएगा, वो सरप्लस हो जाएगा। उसी तरह करेंट अकाउंट डेफिसिट, जब करेंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज, करेंट अकाउंट में तो गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है अगर वो कम होगा इम्पोर्ट से तो डेफिसिट में आ जाएगी करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट सरप्लस में कब आएगी, सरप्लस में तब आएगी जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट से ज़्यादा हो जाए। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तब होगा जब क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से कम हो जाएगी, तो कहेंगे कि BOP डेफिसिट हो गई। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड से तो कहेंगे कि पेमेंट ऑफ बैलेंस सरप्लस हो गई, ठीक है। यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो अगर इम्पोर्ट कम करेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे तो सरप्लस होगा, ठीक है। देन लास्ट इज ट्विन डिफिसिट, ट्विन डिफिसिट एक फिनोमिनन है जिसमें कि दो तरीके के डिफिसिट एक साथ होते हैं। कौन कौन डिफिसिट, पहला तो होता है कि फिजिकल डिफिसिट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट डिफिसिट। तो फिजिकल डिफिसिट प्लस करेंट अकाउंट डिफिसिट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट अगर एक साथ होते हैं तो इसको कहा जाता है ट्विन डिफिसिट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।